हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? भगवान जी से यही प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी की क्लास 9 की मैथ की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं। एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक कॉपी किताब, वैसे नोटबुक मिस कॉपी होता है, ठीक है, जो लिखने वाली होती है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। किसकी कीमत से दोगुनी? कलम की कीमत से, कलम, पेन। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बताना है, ठीक। इस कथन को जो ये कहना चाह रहे हैं, इसे निरूपित करके यानी कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना। चलिए साहब, ना ही इन्होंने नोटबुक की कीमत दी है और ना ही इन्होंने कलम की कीमत दी है, तो मानना पड़ेगा। माना नोट बुक की कीमत, ठीक। माना नोटबुक की कीमत हम एक्स मान लेते हैं, क्या एक्स, तथा कलम की कीमत बताइए, कलम की कीमत क्या मान लेंगे? बाई। क्या? कलम की कीमत बाई मान लेंगे। तो देखिए साहब, कलम की नोटबुक की कीमत कितनी है? एक्स। अब समीकरण का समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण से बना दो। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बना दीजिए, ठीक। माना नोटबुक की कीमत क्या है? एक्स, और जो दुगनी है कलम की कीमत से दुगनी है। किसकी कीमत से दुगनी है? कलम की, यानी पेन की कीमत। कलम की कीमत कितनी थी? बाई, और दुगनी किसकी है? कलम की कीमत की, तो 2 बाई, ठीक। यही हमारे साथ समीकरण भी बने, दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक्स बराबर 2 बाई, दो चर हो गए, ठीक, दोनों चर पद हो गए, सही है, एक्स और 2 बाई, यही हमारा उत्तर हो गया, आंसर बस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, थोड़ा डस्ट कर दूं मैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित रैखिक समीकरण को AX प्लस BY प्लस C इजगल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें ABC का मान निकालना है। क्या निकालना है? ABC का मान। प्रश्नावली 4.1 है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, बार बार बता रहा हूं मैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 4.1, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन बन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्व, इसका फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इजगल टू 9.3 बार 5, ठीक। इसमें ये कंडीशन क्या दी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू में दी है, ठीक। तो इसे सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसे ए एक्स प्लस बी वाई 2x प्लस 3y, और प्लस का 9.3 बार 5 इक्वल के द्वारा, तो माइनस का 9.3 बार 5 इज गल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज गल टू 0, तो ए क्या हो गया?
भाई ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो ए क्या हो गया, ए बराबर 2, बी बराबर 3, ठीक, और सी बराबर, और सी बराबर माइनस का 9.3/5 आंसर, ठीक। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ए बी सी की वैल्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। x माइनस 5/5, एक्स माइनस वाई अपॉन 5, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए साहब, अब इसमें आप स्पष्ट देखिए a की वैल्यू क्या है भाई, ए एक्स, क्या ए एक्स, तो x के साथ कुछ नहीं बढ़ा हुआ है तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर 1। अब b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस का 1/5। भाई अचर लेना है ना, अचर थोड़ी लेना है, ठीक है, तो माइनस का बाई के मल्टीप्लाई में कोई 1 पड़ा हुआ है चर, ठीक है, तो 1/5 माइनस का, क्या माइनस का 1/5, और कॉमा सी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, माइनस का 10, माइनस का 10 आंसर, ठीक। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है माइनस 2x, माइनस का 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 6। ए एक्स बना लीजिए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बना लीजिए, से ए एक्स यानी माइनस का 2x प्लस 3y और 6 इक्वल के अंदर लिए तो माइनस x साइन अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस का था, इक्वल के अंदर आया तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो भैया लगा लीजिए a की वैल्यू, a वैल्यू नहीं लगाना, a की वैल्यू निकाल लीजिए, a बराबर माइनस 2 हो गया, x के साथ क्या पड़ा हुआ है, माइनस 2, b, b बराबर 3 और कॉमा c बराबर माइनस 6, ठीक आंसर। आशा करता हूँ ये आपको थर्ड तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, x बराबर 3y, x बराबर 3y, ठीक। तो भैया x तो हो गया, तो a बराबर x के साथ क्या, a x, a x, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, a हो जाएगा 1, कॉमा a x b y, क्या b y यानी कि बी वाई, तो बी के साथ क्या हो जाएगा, माइनस 3, क्यों, अब कहिए प्लस 3 क्यों नहीं, क्यों इक्वल के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 3y हो जाएगा, तो बी बराबर माइनस 3। थोड़ा आप भी देखिए जरा दिमाग से इस शॉर्ट में, और सी बराबर वैल्यू नहीं दी है तो सी बराबर 0 हो गई, ठीक। अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, भाई ax, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू भाई माइनस का 5y, इक्वल के इधर आया तो प्लस का 5y हो गया, तो यानी कि प्लस का 5, और c की वैल्यू दी नहीं तो c 0, बस a b c की मान निकालना और कुछ नहीं करना है आपको। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या कह रहे हैं, ये 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x, x तो दिया है तो a बराबर 3 तो हो गया हमारा, मगर b हम नहीं दिए, ये c दिए, ठीक है, b by, तो ना b दिए ना by दिए, और ax प्लस b by प्लस c, तो c दिए, c बराबर 2, मगर b जब नहीं दिए तो b बराबर 0 हो जाएगा, नहीं दिया है वैल्यू तो 0 और c बराबर 2 आंसर, ठीक। सेवन पार्ट देखिए इसके, सेवन पार्ट क्या कह रहे हैं, बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं दिया है भाई, a x, x दिया है, b y दिया है, तो b बराबर तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब b बराबर 1 हो गया, और c बराबर, तो a नहीं दिया, a बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, और b बराबर माइनस 2, सॉरी c बराबर माइनस 2,
सी बराबर माइनस टू आंसर। ठीक, अब इसका आप पार्ट देखिए, एर्थ पार्ट क्या देखेंगे, पार्ट नंबर एर्थ। एर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक, तो टू एक्स, टू एक्स हो गया माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो निकाल लो ए एक्स, यानी ए बराबर दो हो गया, बी नहीं दिए तो बी जीरो हो गया, और सी बराबर माइनस पांच, सी बराबर माइनस पांच आंसर। ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 यानी प्रश्न वाली 4.2 बताऊंगा। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।